पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने नगर निगम चुनावों में मिली जीत का श्रेय स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को दिया है, जिनकी मेहनत के कारण यह जीत हासिल हुई है। इन चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे पता चलता है कि लोगों में वर्तमान प्रदेश भाजपा एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति गहरा रोष है। वह यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने नगर निगम के चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के गृह क्षेत्र में भाजपा को करारी शिक्षा दी है, जिसका श्रेय आशीष बुटेल व उनके पिता पूर्व स्पीकर ब्रिज बिहारी बुटेल द्वारा किए गए बेहतर कार्य को जाता है। वहीं सोलन में स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल व स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस चुनाव के बेहतर नतीजे प्राप्त हुए हैं। उन्होंने वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेट करने का काम किया है। इन चुनावों से यह पता चलता है कि लोग मौजूदा में केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई से बुरी तरह से परेशान है। यहाँ पे नैना देवी जो है वो टेंपल ट्रस्ट है। टेंपल ट्रस्ट जो है वो शुरू से 87 से जो है ना पहला ट्रस्ट जो है वो नैना देवी का बना था। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हुई कि जब मैंने कहा कि कारण क्या है कि साढ़े तीन सालों से नैना देवी टेंपल ट्रस्ट में जो है वो टेंपल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, तो मुझे महेंद्र सिंह जी ने अपने चैम्बर में बुलाया कि जी वहां के लिए तो टेंपल ऑफिसर की पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं 3-4 बार मैं भी मिनिस्टर रहा, मेरे टाइम में जो है ये टेंपल ट्रस्ट बना था और उसमें अधिकारी लगातार जो है वो उनकी तैनाती होती रही है। तो मैंने महेंद्र सिंह जी को हाथ जोड़े, मैंने कहा भी आई एम सॉरी, क्योंकि ये नई सूचना है जो आप मेरे को दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कितना अन्याय है कि आज मंत्री जो सीनियर मंत्री महेंद्र सिंह जी जैसे आदमी का जो स्टेचर है उसको अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं। और जब मैंने कहा है कि अधिकारी क्यों नहीं लग रहा है, तो मुझे महेंद्र सिंह जी ने कहा कि वहां पे टेंपल ऑफिसर की पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है। तो ये भी मेरे लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा इतना लंबा अरसा हो गया राजनीति में कि भी मेरे को यही पता नहीं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में टेंपल ऑफिसर की पोस्ट नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसमें जब मैंने ये देखा, देखो मेरे पास मैंने नैना देवी से मंगाया, ये मेरे पास जो तालिका है ये है मंदिर अधिकारी मंदिर ट्रस्ट श्री नैना देवी जी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ये वहां पे बोर्ड लगा है। इसमें आज तक 24 टेंपल ऑफिसर लग चुके हैं, 24 में से 20 टेंपल ऑफिसर रेगुलर लगे हैं और 4 जो है पिछले 2-3 सालों में ये जो इन्होंने चार्ज दे रखा है तहसीलदार स्वारघाट को, ये 4 वो आदमी है, नहीं तो 20 रेगुलर तहसीलदार जो है रिटायर भी वहीं से हुए हैं। और कैसे मंत्री को जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है, सूचना गलत दी जा रही है, वो अधिकारी वो कर्मचारी जो ये गलत सूचना दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मंदिर ट्रस्ट से जो है वो डाके डाले जा रहे हैं। कुछ नेता हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के और कुछ बड़े नेता, कुछ छोटे नेता जो नैना देवी ट्रस्ट के ऊपर जो है वो वहां से जो है वो चाहे वो कोरोना के टाइम की बात हो आगे पीछे हो, नैना देवी ट्रस्ट के ऊपर जो है वो डाका डाला जा रहा है। उसका स्पष्ट उदाहरण आपके सामने ये है कि जब मैंने टेंपल ऑफिसर को लगाने की बात कही तो महेंद्र सिंह जी ने मेरे को बुला के चैम्बर में बोला कि आपने प्रश्न तो किया है लेकिन वहां पे तो टेंपल ऑफिसर की पोस्ट की सैंक्शन नहीं है, ये मेरे पास तालिका है, ये मेरे पास बोर्ड जो टेंपल ने जो बना रखा है, चेयरमैन ने वहां पे लगा रखा है, टेंपल ऑफिसर जो है वो आज तक 24 लगे, 20 रेगुलर लगे और पिछले ये 3.5 सालों में 3-4 जो है ये जो है चार्ज दे रखा है, ये दे रखा है जो स्वारघाट में तहसीलदार आता है उसको जो है वो चार्ज दिया जाता है, लेकिन रेगुलर जो है वो पोस्टें सैंक्शन होने के बाद बावजूद भी मंत्री को भी जवाब देने के लिए जो है वो मुझे चैम्बर में बुलाना पड़ा और मैं गया। वहां पर मुझे बताया गया कि भाई वहां पर टेंपल ऑफिसर की पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है, तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। कोरोना के टाइम में भी डाका डाला गया है और उसके आगे पीछे भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनका काम ही है कि माता नैना देवी के वहां से जो है चोर बजारी करो, वो चरणे नहीं देंगे। मैं कहूंगा आज मैं आपको ये बता रहा हूं, उसके बाद जो है वो चरणबद्ध तरीके से इसका विरोध हम शुरू करेंगे। जब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4 जगहों के चुनाव हिमाचल प्रदेश में जब से इनकी घोषणा हुई, तब से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती है,
कांग्रेस भी करती थी, मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस नहीं करती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब उसमें ये नहीं मैं बोल सकता कि जी कोई पार्टी अगर जीत गई तो नेता लोग ये कहें कि ये मेरी वजह से जीत गए, लेकिन आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन चुनावों के जो नतीजे आए हैं वो वहां के स्थानीय लोगों की मेहरबानी से और उनकी जो है वो कठिन परिश्रम की वजह से आया है। अब पालमपुर का ले लीजिए, वहां पे जो है वो बुटेल साहब, जो यंग बुटेल हमारे एमएलए साहब हैं, उनकी और उनके पूजनीय पिताजी की मेहनत थी। ये ठीक है कि हमारी ड्यूटी वहां लगी थी, लेकिन हमारा सिर्फ खबरदारी करने का काम था, अदरवाइज जो बेस था वो वहां के स्थानीय नेताओं का बनाया हुआ था। ऐसे ही धर्मशाला का था, वैसे मंडी का था। सोलन में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोलन में कांग्रेस पार्टी को नतीजे सोलन पार्टी के हक में गए हैं, मैं वहां पे कर्नल शांडिल और सोलन के हमारे जो नेतागण हैं उनको मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन हो ये रहा है, ये नहीं कि भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, किसान जो है वो दिल्ली को घेरे बैठे हैं। आज अगर देखा जाए तो नोटबंदी के बाद जब से ये जीएसटी और उसका झगड़ा जो है वो लोगों के सामने आया, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी केंद्र सरकार का ग्राफ गिरता जा रहा है। चार विधानसभाओं के चुनाव अभी उनका नतीजा आएगा, पता लग जाएगा, लेकिन शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी आज वो लोगों की नजरों में सिकुड़ती जा रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को जो है वो सारे जितने कार्यक्रम है वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, महंगाई पे कंट्रोल नहीं आया है, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कृषकों की पिटाई हो रही है और बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ जो है लोगों का जो है ये गुस्सा था जो हिमाचल प्रदेश में कॉरपोरेशन के चुनाव से आगे निकलना शुरू हुआ है। और आगे क्या होगा ये इसका अंदाजा भी सबको लगा लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।